बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट एंड फाइनाइट सेट्स। तो पहले मैं डिफाइन करने लगा हूँ व्हाट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, लेट्स डिफाइन। आप सिंपल कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट वो सेट होता है, द सेट विद आर व्हिच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फाइनाइट का मतलब है महदूद। आपके पास कुछ महदूद जो है ना वो एलिमेंट्स होंगे, और आप ये भी कह सकते हैं कि लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे रफली स्पीकिंग, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सेट होगा जिसके आप एलिमेंट्स एटलीस्ट लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 20, ये एक सेट है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखता हूँ, नाम दे देता हूँ इसको ए, तो ये सेट बन जाएगा 1, 2, 4, 5, 10, 20। अब इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट हैं, लिमिटेड हैं, या इतने एलिमेंट हैं जिनको हम आराम से लिस्ट कर सकते हैं सारों को, तो ये फाइनाइट सेट है। इसी तरीके से एक और सेट मैं डिफाइन करता हूँ बी नाम देकर, एंड लेट मी डिफाइन द सेट। इसको कहता हूँ, सेट सीधा लिख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 49। देखिए, अब इसके भी सारे एलिमेंट जो है ना फाइनाइट है, महदूद एलिमेंट्स हैं 49, या आप ये सारे भी लिस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है, ये भी एक फाइनाइट सेट है। इस तरीके से हम और भी मिसाल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं सी एक सेट डिफाइन करता हूँ, सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड बाय -3 <x> 6। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर वो एक्स आएंगे, एलिमेंट आएंगे जो के -3 और 6 के दरमियान है, तो वो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। इसके भी फाइनाइट एलिमेंट है, महदूद एलिमेंट है। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे सेट्स डिफाइन कर सकते हैं जो कि फाइनाइट होंगे। अब इन्फिनिट सेट क्या होगा अगर हम डिफाइन करना चाहें, तो इन्फिनिट सेट हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ये इन्फिनिट सेट को डिफाइन करते हैं, यानी उर्दू में जिसको आप कहते हैं लामहदूद सेट। इन्फिनिट सेट वो होगा द सेट विद इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लामहदूद जिसके अंदर एलिमेंट हो, पहले वाले महदूद थे, ये लामहदूद है। सॉरी इफ आई हैव रिटन देयर लामहदूद। सो फाइनाइट मीन्स महदूद एंड इन्फिनिट मीन्स लामहदूद। तो द सेट विद इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, लामहदूद एलिमेंट्स होंगे। इसके एग्जांपल्स, या आप अनलिमिटेड भी कह सकते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट में डिफाइन करता हूँ, सेट ऑफ
ऑल इंटीजर्स। अब ये इसके अंदर इन्फिनिट सेट हैं, बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स हैं, यानी इसको जब मैं लिस्ट करूंगा तो इसके अंदर 0, 1, 2 ये बहुत सारे हैं, -1, -2, -3 इस तरीके से। या फॉर एग्जांपल आप और डिफाइन कर सकते हैं ई के नाम से, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। अब इसमें भी बहुत सारे आ जाएंगे, आप और डिफाइन कर लें जी, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये सारे सेट्स जो हैं ये इनफिनिट सेट्स हैं। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, नल सेट। नल सेट का क्या मतलब है? नल सेट एक ऐसा सेट है, द सेट विद नो एलिमेंट्स, यानी जिसकी कार्डिनलिटी जीरो। कार्डिनलिटी मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके अंदर हो। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक सेट डिफाइन करता हूं इस तरीके से, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज बिटवीन 2 एंड 3। अब 2 और 3 के दरमियान तो कोई इंटीजर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये जो ए हमने सेट डिफाइन किया है ये बेसिकली नल सेट है। हम ये कहते हैं एन ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। इस तरीके से बी फॉर एग्जांपल आप डिफाइन करते हैं, जैसे कि द सेट ऑफ डेज इन इन अ वीक, डेज इन अ वीक व्हिच स्टार्ट विद लेटर ए। अब ऐसा कोई डे नहीं है जो ए से स्टार्ट हो, तो इसका मतलब बी भी मेरा जो है वो नल सेट है। इसी तरीके से अगर आप द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बात करें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर वो 4 बोथ इवन एंड ऑड, तो ऐसा भी कोई इंटीजर नहीं है जो बोथ इवन ऑड हो, तो वो भी आपका नल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स है, फाइनाइट, इनफिनिट एंड नल सेट।